bounds. हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। और फाइनली हम खेलेंगे गॉड ऑफ वॉर आपके आपके फ़ोन में और हमारे फ़ोन में, सबके फ़ोन में गेम वर्क होएगा। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि इसमें बहुत सारा मेन स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि गेम चलाने के लिए आपको बहुत सारा तीन फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, एक APK, एक गेम फाइल, एक बायो फाइल। आपको तीनों डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, पहले तीनों चीज़ डाउनलोड कीजिए आग बन करके। और गेम का फाइल कुछ 350 MB का और बायो 2 MB का, APK कुछ 1 MB का। ये आपको तीनों चीज़ डाउनलोड करना है, या आपको ये डाउनलोड करेगा तब आप जाके ये गॉड ऑफ वॉर खेल पाएंगे, गॉड ऑफ वॉर 2, जैसे कि मैं अब भी खेल रहा हूँ अपने फ़ोन के अंदर। एकदम स्मूथ वर्क हो रहा है गाइस। और मैं गाइस, मेरा फ़ोन तो एकदम चीपेस्ट फ़ोन है, कुछ 2 GB रैम ऐसा इतना खास फ़ोन है, तभी भी इतना खास वर्क हो रहा है मेरे फ़ोन के अंदर। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को फुल वॉच करना। और आपको डाउनलोड करना है पहले तो 350 MB का गेम, एकदम हाईली कंप्रेस किया हो गाइस, मैंने एकदम हाईली कंप्रेस किया हो, 350 MB का हो चुका है। लगभग 1 या 1.5 GB का फाइल था, उसको मैंने हाईली कंप्रेस करके 350 MB का किया हो। और आपको डाउनलोड करना है, मैं आपको आपका पूरा स्टेप बताऊंगा उसमें, आपको क्या क्या करना है, कैसे आपको ये आपके फ़ोन में रन होएगा, आपको सब कुछ होगा। पहले तीनों चीज़ डाउनलोड करना है। और इसके फ़ोन के कोई रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब फ़ोन आपका कुछ 2 GB रैम के ऊपर ही होना चाहिए, मतलब 3 GB रैम ऐसा कुछ रहेगा तो अच्छा चलेगा। लेकिन मैं 2 GB रैम में इतना अच्छा वर्क हो रहा है, तो आपका सोचिए आपका कितना GB रैम में कितना सही चलेगा। जैसे 3 GB, 2, 3 GB, 4 GB रैम में कितना स्मूथ चलेगा। तो बिना टाइम कोई वेस्ट किए तो गाइस आगे स्टेप कर दे, बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगन गाइस। और पहले तो आपको देख सकते ये दो चीज़, आपको तीनों चीज़ें पहले आपको डाउनलोड करना है। मतलब पहला ZRC प्ले स्टोर में फ्री कॉस्ट अवेलेबल है, 2-3 MB का है। और आपको पैरलो स्पेस प्ले स्टोर में मिलता है, वो भी पैरलो स्पेस लेके और इंस्टॉल कीजिए। और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा APK, ये आपको ये इंस्टॉल करना है। और ये और साथ में तीन फाइल रहेगा, वो तीनों मतलब ये APK, एक गेम का फाइल, एक बायो फाइल, आपको तीनों चीज़ डाउनलोड करना है। आगे आपको बताऊंगा क्या 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 करना है कैसे। और ये आपको ये करते आपको ZRC आपको ओपन करना है कुछ थोड़े टाइम के लिए। ZRC ओपन करते हैं हम, और ZRC ओपन करते देख सकते हम तीनों चीज़ें डाउनलोड कर चुके हैं। और कुछ 360 MB का है गेम फाइल, थोड़े 350 MB उसको पकड़ लियो। और इंस्टॉल में पहले से ही कर चुका हूँ, अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ओपन करते ये क्या बताएगा, आपको ओपन नहीं करना है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा क्या बताना है। देखो दिस डिमांड्स नॉट बाय लाइसेंस का पूछेगा, तो आपको ये इंस्टॉल करना है बस आपको डीमोन का। और आपको पैरेलल स्पेस प्ले स्टोर में फ्री कॉस्ट अवेलेबल, इसको भी इंस्टॉल करना है। इसको ओपन करता हूँ गाइस, इसमें बहुत डाटा वेस्ट हुआ है मैं इस गेम में, लेकिन तभी भी मैं कैसे तो कैसे ही चालू कर दिया। जैसे कि ऐड ऐप में जाना है और डीमोन को आपको कर देना है, ऐसा ऐड ऐप लिखा रहेगा उसमें आपको जो डीमोन ऐप है उसको क्लिक कर देना है। जैसे कि ये पैरेलल स्पेस यूज़ करेगा और इसको 3 डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करते स्पीड मोड करेगा, इसको आपको इनेबल कर देना है, जैसे कि मैंने कर चुका हूँ। इनेबल करते ही आपको ये आपका जो गेम का परफॉर्मेंस और फास्ट हो जाएगा। तो देख तो फिर आगे का स्टेप करना है फिर दोस्तों, फिर आगे आपको ZRC खोलना है। और ZRC ओपन करते हम देख सकते तीनों चीज़ डाउनलोड कर चुके हैं। और आगे का स्टेप क्या करना है, अभी जो दिख रहा होगा आपको डीमोन का मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ, और आपको दिख रहा होगा वो गॉड ऑफ वॉर 2। आपको तो पहले PH2 का जो बायो दिख रहा होगा, PH2 bio by TP, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करते बहुत ही फास्ट हो जाएगा, आपको ये तीनों चीज़ कट करना है, तीनों चीज़ को टैप करके रखना है और जाना है। और पैरेलल स्पेस का फोल्डर बन गया रहेगा, उसके लिए हमने पैरेलल स्पेस को ओपन किए थे, देख सकते हैं पैरेलल स्पेस का फोल्डर बन चुका है। इसको ओपन करेंगे हम, ओपन करते ही और एक बार ओपन करेंगे डीमोन का एक फोल्डर बन जाएगा। डीमोन का फोल्डर बनते ही उसको भी ओपन करना है आपको, और इसको इधर ही पेस्ट कर देना है, कुछ नहीं करना है गाइस, बस इधर ही पेस्ट कर देना है। फिर आप जाते हैं गेम फोल्डर में जहाँ पर डाउनलोड किए थे, जहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखा था, और देख सकते गॉड ऑफ वॉर बाय TP, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। अभी हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा एक्सट्रैक्टिंग थोड़ा फास्ट करूँगा मैं। ये सबका नॉर्मली थोड़ा सा हो जाएगा कि 2 या 1 मिनट में हो जाएगा। और ये होते ही आपको मैं आगे का स्टेप बताऊँगा कैसे क्या करना है। तो गाइस न्यू हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत करता हूँ इस गेम के लिए, मैंने बहुत मेहनत किया और हो भी स्टार्ट भी हो रहा है और गेम आपके फ़ोन में चलेगा भी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और आगे स्टेप देख सकते हैं, हमारा डीकम्प्रेस हो चुका है, मेन फाइल निकल चुका है, 1.0.3 GB का फाइल निकल चुका है। इसको मैं हाईली कंप्रेस किया था, उसके लिए 350 MB में हो गया था। इसको भी मैं कट करूँगा, कट करके आपको कहाँ पर पेस्ट करना है आपको आगे का बताऊँगा स्टेप। कट करके आपको जाना है वही पैरेलल स्पेस के फोल्डर में,
उसको ओपन कर दे, और एक बार ओपन करेंगे डीमॉन का PS2 का फोल्डर बन जाएगा, उसके नीचे आपको पेस्ट कर देना है। बस गाइस इतना ही करना है आपको फ़ोन में, और आपको डायरेक्ट आपको ओपन करना है। ये आप हर एक गेम कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो जो PS2 का जो जो गेम है वो आप सेम ऐसे स्टेप्स कर करके गेम के आपके फ़ोन में गेम खेल सकते हैं इसी PS2 का, जैसे मैंने गॉड ऑफ वॉर किया वैसे ही। आप इसको ओपन करते ही आपको ओपन करना है पैरेलल स्पेस, और पैरेलल स्पेस ओपन करते ही आपको जाना है डीमन PS2 प्रो दिख रहा होगा उसको भी स्पीड मोड पर चेक करना है। स्पीड मोड हाँ इनेबल है हमारा, और PS2 का डीमन PS2 को ओपन करता हूँ मैं अभी, एकदम प्रॉपरली हमारे फ़ोन में स्टार्ट हो जाएगा। और आपको एक और एक स्टेप करना है गाइस, प्लीज़ लिसन, दिख रहा होगा आपको बायोस फाइल दिख रहा होगा उस पर जाना है, और जो दिख रहा होगा ये इनेबल रहेगा आपका, टिक नहीं रहेगा, आपको टिक करना है, आपका टिक नहीं रहेगा, आपको टिक करना है। और अब जहाँ पर दिख रहा हो गॉड ऑफ वॉर बाय TPA उसको क्लिक कर दीजिए, और हमारा गेम एकदम स्मूथली गाइस स्टार्ट हो चुका है, बिना कोई लैगनेस कुछ नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं, एकदम एकदम प्रॉपर हमारा स्टार्ट हो चुका है। जिसने ये वीडियो फुल वॉच किया रहेगा वो 101% गेम आपके फ़ोन में स्टार्ट हो ही गया रहेगा, जिसने इस वीडियो को फुल वॉच किया रहेगा। जिसने ऐसा बीच में कुछ कट बीट कर दिया गया और उनके उनके फ़ोन में शायद ही चलेगा, और कमेंट करके मत लिखना बार बार मेरे फ़ोन में नहीं रन हो रहा है, मेरे में कुछ अलग प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मैंने 3 फ़ोन में चेक कर चुका, तीनों फ़ोन में चल चुका है। जैसे कि 1GB रैम में तो चल ही नहीं रहा था, मतलब अटक अटक के चल रहा था, चल तो रहा था लेकिन पूरा बहुत ही अटक रहा था, वो गेम का परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर और गेम का मतलब रैम भी सब चाहिए रहता है इसके लिए। और थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ये भी देख सकते हैं आपको, थोड़ा मैं स्किप कर दिया वो क्योंकि उसका स्टोरी मोड्स बहुत बड़े, तो मैं आपको देख सकते गेम कितना कूल चल रहा है गाइस, इतना से लैग तो कुछ नहीं हो रहा है गाइस, इतना स्मूथ चल रहा है। और मैं आगे उसका बहुत कुछ लेवल पार करने वाला हूँ क्योंकि मुझको भी बहुत खेलने का मन था, तो देख सकते गाइस। और नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत से गेम लाए लो बॉय गाइस। और तो चलो गाइस मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, खुश रहिए, सलामत रहिए, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, लव यू गाइस, बाय बाय बाय।